हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो यह देख सकते हो आप लोग, टी गार्डन इस तरह का होता है। टी गार्डन, यह है टी के पट्टा। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ या फिर दिखाने वाला हूँ छोटा छोटा क्लिप। हम सभी तो सुबह में उठकर चाय पीते हैं, लेकिन इस चाय के पट्टे को किस तरह से कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है या फिर तैयार किया जाता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, हम इसको आज थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा वीडियो की क्लिप, उसके बाद मिलते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने किस तरह से इसको बनाया जाता है, किस तरह से वो मैनुअल ट्रेन में आता है और उसको लोग सराटा है, उसके बाद मशीन में डालता है और नीचे में किस तरह से जाता है और चाय की पत्ती इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। चाय पट्टी को चाय का खेत तो असम में ज़्यादातर किया जाता है। असम से ही बाहर में वो चाय पट्टी वो सेल होता है या फिर बाहर जाता है। ये देख सकते हो चाय का खेत असम में बहुत ज़्यादा किया जाता है और चाय का मैन्युफैक्चरिंग या फिर तैयार असम में ज़्यादातर किया जाता है। आप लोग तो जानते हो चाय के लिए असम बहुत ज़्यादा फेमस है और हम सुबह में तो सभी लोग उठ के चाय पीते हैं। चाय के बिना हम अधूरा है और चाय का क्वालिटी भी बहुत है। चाय के पट्टे की क्वालिटी पीडी है, डस्ट है, एक नंबर क्वालिटी का जो चाय पत्ती है वो तो BOP है, BP है, यह सब PD, यह सब एक नंबर क्वालिटी का चाय पत्ती होते हैं। ये सब का महंगाई भी बहुत है। जितना आप अच्छा चाय पत्ती खाओगे उतनी ही महंगाई भी ज़्यादा है। वैसे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा तभी आप इस अच्छे से चाय की मज़ा उठा सकते हो। तो गाइस हमारा अखमर चाह बागान सबरे कनका है। हमारा अखमर चाह बागान चाह खेती कनका सबरे कि धुनिया हमारा चाह खेती। दिखाने के लिए हम वीडियो बना था। तो इतना ज़्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो जितना मैं जानता हूँ इतना ही मैं इस वीडियो के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहा। तो अगर आप लोग वीडियो देख के अच्छा आप लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।